भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में बुधवार शाम को कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। तावड़तोड़ फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर को पीठ को छूती हुई निकल गई। पुलिस ने हमलावरों की कार को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही चार संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर बुधवार शाम को अपने साथी की माँ की रस्म पगड़ी में शामिल होने के बाद सहारनपुर लौट रहे थे। करीब 5 बजे देवबंद थाना क्षेत्र के यूनियन सर्कल के पास उन पर यह हमला हुआ। 4-5 हमलावर हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए हमलावरों ने दाहिनी ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 4 गोलियां दागी गईं। हमले में एक गोली गेट को चीरती हुई चंद्रशेखर की कमर को छूती हुई निकल गई। इसके बाद गोली सीट में धंस गई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरे एक साथी की डेथ हुई। मैं थोड़ा सा परेशान था, फिर उस डेथ की सूचना के बाद मुझे आना था देवबंद में। हमारे एक साथी की माता जी की डेथ हो गई थी, उनके रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। उनके घर से जैसे मैं निकला, सहारनपुर की तरफ मुश्किल से 50 मीटर चला होगा, एक गाड़ी आती है। मैं फोन पे थोड़ा मेरा ध्यान था, उसने जो उस वहाँ से गोली चलती है और वो गोली मेरे कान के पास से निकलती है। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि गोली चली है। पहले मुझे लगा उस आवाज़ से लगा पटाखा है, लेकिन बाद में जब उसके वो वाइब्रेशन हुई जाते हुए तो मुझे एहसास हुआ गोली, और वो गाड़ी में टकराई भी। फिर दूसरी गोली जब मुझे लगी, बुलेट जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जिस वो जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी, अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आरपार चली जाती। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई। आनंद फानंद में चंद्रशेखर को देवबंद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने वारदात वाली जगह पर जाकर जांच की। सहारनपुर के देवबंद थाने में भीम आर्मी के पदाधिकारी और चंद्रशेखर के साथी मनीष कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। केस दर्ज में हत्या के प्रयास के साथ साथ SC ST एक्ट भी लगाया गया है। हमलावर जिस स्विफ्ट कार में आए थे वो बरामद कर ली गई है। देवबंद पुलिस को सूचना मिली करीब 5:15 बजे, ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जाँच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्यवाही होगी वो विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं इस हमले के बाद में चंद्रशेखर के समर्थक चंद्रशेखर को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग कर रहे हैं। उधर चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, मैं ठीक हूँ, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है, और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गाँव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है, अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। ये किसी रानी का बेटा नहीं है, तो अगर उसको कुछ होगा, या किसी कमिश्नर साहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 4-5 घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ सरकार की घोर लापरवाही है, और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना पर ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं, और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने CCTV देखा, उसमें देखा।